स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं मोनिका आज आपको बताऊंगी कि हम घर पे बहुत ही आसानी से एक अच्छा सा सीरम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अगर हम देखें तो मार्केट में 100 तरह के सीरम अवेलेबल हैं, लेकिन यकीन मानिए उन सब में थोड़ा बहुत तो केमिकल मिक्स होता है। इंस्टेंट अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कि हमारी स्किन पे थोड़ा ग्लो भी दिखे, स्किन की डलनेस भी थोड़ी कम हो जाए या थोड़ा खुरदरापन भी कम हो जाए, लेकिन लगातार अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो कभी ना कभी उनके बुरे रिजल्ट दिखने लगते हैं या उनका नुकसान हमें दिखने लगता है। उसकी वजह से चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं जिनको हम रिंकल्स बोलते हैं, या काले दाग पड़ जाते हैं, कभी कभी फुंसियाँ भी हो जाती हैं और चेहरा जो होता है वो काला पड़ जाता है। और कभी कभी देखा गया है कि चेहरे पे अजीब ही तरह के रैशेज आ जाते हैं और कभी स्किन भी निकलने लगती है। तो इन सब समस्याओं से आज हम छुटकारा पा लेंगे। तो आज हम घर पे ही एक आसान सा सीरम बनाएंगे जो बहुत सारी समस्याओं से हमको छुटकारा दिलाएगा। इस सीरम का इस्तेमाल आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि सीरम का जो इस्तेमाल होता है वो जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो उससे पहले करना चाहिए, या अगर हम चाहते हैं कि मेकअप लुक नहीं दिखे तो हम सीरम लगाते हैं और उसके बाद एक आध क्रीम मतलब फाउंडेशन वगैरह स्किप करते हैं, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगा के उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही आज जो हम सीरम बनाएंगे उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही होगा। इस सीरम की अच्छी बात ये है कि इसको एज अ मेकअप रिमूवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपका चेहरा ज़्यादा डल हो गया है या बहुत ही पोल्यूशन से आप आए हैं तो क्लींजर का काम भी ये सीरम करेगा आपके लिए। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आप मात्रा का ध्यान रखिए कि किस चीज़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी आप उसके हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम ऐसे किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं कि आज हम घर पे ये बनाएंगे तो उनमें हम कोशिश करते हैं कि 100% नेचुरल चीज़ें, जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं, हम किचन में उससे खाना बनाते हैं या अन्य चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल हम ये सब रेसिपीज़ बनाने के लिए करते हैं, चाहे वो फेस पैक हो, चाहे वो हेयर मास्क हो या किसी तरह का कोई ऑयल बनाया है हम लोगों ने। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि प्राकृतिक चीज़ों से हम अपनी सुंदरता कैसे वापस लाएं, वापस लाने के साथ साथ उसको बरकरार कैसे रखें। तो आज हम ये सीरम बना के देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं, तो बिल्कुल सही है, बहुत सारी चीज़ें ही ली हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो हमें प्रिकॉशंस जो होते हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको साथ ही साथ इसके प्रिकॉशंस भी बनाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप हम ये बनाते भी हैं। तो शुरू करेंगे हम। ये खाली बाउल है, आप देख रहे हैं, ये रोज़ पेटल्स हैं यानी गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो ली हैं मैंने। मेरे घर पे गुलाब लगा हुआ है, उसी कोई पंखुड़ियाँ सुखा रही हैं। ये ग्लिसरीन है, ये अपना बादाम का तेल है, ये है एलोवेरा जेल, आप घर का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलायची पिसी हुई है, ये विटामिन ई का कैप्सूल, ये जोजोबा ऑयल है, ये विटामिन सी की गोलियाँ मैं दिखाती हूँ अभी, नीम तेल है, और ये मेरा छोटू सा कुंडी डंडा है। देखिए पिंक, इसमें ये ऑरेंज कलर का ये लग रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई तो एक रेसिपी बनाई है, वो भी वीडियो आपको मिलेगा बहुत जल्द। तो हम शुरू करेंगे रोज पेटल से। ये इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा, और साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चुटकी भर इलायची पाउडर। दोस्तों, इलायची खाने में बहुत अच्छी होती है, आप सब जानते हैं, साथ में ये स्किन पे अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तब भी बहुत फायदेमंद है। इसके बाद हम डालेंगे विटामिन ई के जो कैप्सूल है, ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा, एक कैप्सूल डालेंगे हम इसमें। अब हम इसमें मिलाएंगे ग्लिसरीन। अब बात आई है ग्लिसरीन की, तो मैं आपको प्रिकॉशंस भी बताती हूँ साथ में। दोस्तों, जब भी हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि डायरेक्ट ग्लिसरीन मतलब उतनी ही थिक जो उसकी प्रवृत्ति है वो पूरे का पूरा ऐसे ही नहीं लगाना है हमको। आपको याद रखना है कि डायरेक्ट ग्लिसरीन नहीं लगाना है, डाइल्यूट करके लगाना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसके अच्छे फायदे मिलेंगे,
बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे फायदे मिलने की जगह आपको नुकसान होगा। आप पूरा समय तक नहीं लगा के रखेंगे, जल्दी धो देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा स्किन को। और कभी कभी थिक लेयर अगर हम बनाते हैं तो उसका नुकसान ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, 3 ड्रॉप हमने ग्लिसरीन डाला है इसमें। मैं एक दो चीजें भूल गई हूँ रखना यहाँ, तो देखिए इसमें हनी भी डालेंगे, ये डाबर हनी है, ये भी डालेंगे। जितना ग्लिसरीन हमने मिक्स किया है उतना ही हम हनी भी डालने वाले हैं इसमें। दोस्तों हनी भी हमारी सेहत के लिए, हमारे चेहरे के लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हनी को कच्चे दूध और नींबू के साथ मिला के रोज हम अपने चेहरे पे लगाते हैं तो आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ वगैरह के जो दाग होते हैं वो काफ़ी फीके हो जाते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा कंप्लेन आता है कि काले जिद्दी दाग हो गए हैं, तो वो हट जाते हैं उससे। और अभी ये बादाम का जो तेल है वो मैं डालूंगी, 1/2 चम्मच डालना है आपको इस तरह से। तो ये कोकोनट ऑयल है, ये भी हम 1/2 चम्मच डालेंगे। मेरी स्किन ना एक्सट्रीम ड्राई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूखा रहता है स्किन, तो मैं ये भी इसमें मिक्स करूँगी। इसको ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप मिलाते जाएं ताकि वो अच्छे से उसमें असर आता जाए उसका। अब हम इसमें नीम तेल डालेंगे। नीम तेल, अब प्रिकॉशंस की बात आती है दूसरा, नीम तेल को भी आपको स्किन पे ड्राई नहीं लगाना है। इसको भी 1/2 ही चम्मच लेंगे हम इस तरह से। दोस्तों नीम तेल जो होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एज अ औषधि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम तेल के साथ मैंने बहुत सारी ऐसी रेसिपीज बनाई हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नीम तेल का इस्तेमाल हमेशा उसको डाइल्यूट करके करना है। जितना नीम तेल है उतना ही आपको किसी और ऑयल को हम मिक्स करेंगे, और ये है जोजोबा ऑयल। केमिस्ट की दुकान पे आसानी से आपको मिल जाएगा। इसको जब भी आपको इस्तेमाल करना है, अपने स्किन को अच्छे से क्लीन करना है पहले, 2 चम्मच हम इसके सॉरी 2 ड्रॉप डालेंगे हम इसके, ज़्यादा नहीं डालना है, 2 चम्मच नहीं डालने हैं। अब हम इसमें डालेंगे विटामिन सी। देखो ये चबाने वाली है, बहुत टेस्टी भी होती है, अगर आप ऐसे ही खाएंगे ना तो आपको काफ़ी पसंद भी आएगी। खट्टी मीठी सी गोली होती है ये, और विटामिन सी जो होता है वो महिलाओं की स्किन के लिए, महिलाएं नहीं मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम महिलाएं इसलिए बोलते हैं क्योंकि महिलाओं को सुंदरता की जब बात आती है तो हम लोगों को ज़्यादा सुंदर दिखना होता है इसलिए। तो ये विटामिन सी की गोली है, अब इसमें मैं अपने छोटू से इस कुंडी डंडे में इसको पीस लूँगी। ये ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक तो इतना क्यूट लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और बहुत काम की चीज़ है ये मेरे। अभी हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपको 1 चम्मच डालना है ये। अब इसको थोड़ा सा ऐसे मिला लेते हैं इसे। देखिए वैसे तो ये ऐसे ही बहुत अच्छा एक फेस पैक बन गया है आपके लिए, लेकिन हमें फेस पैक नहीं बनाना है, हमको बनाना है सीरम। तो इसमें हम मिलाएंगे रोज वाटर। दोस्तों रोज वाटर आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, आपको थिकनेस कितनी चाहिए सीरम की। तो मिलाते जाएं और हिलाते जाएं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरे लिए शायद ये इतना ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम ऐसे, और इसको कम से कम भी 6-7 घंटे इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर वाली जगह पे रख देंगे। देखिए मैंने पहले भी बना के रखा है, अब देखिए 1/2 बॉटल है ये, 1/2 ये बन जाएगा तो मेरा पूरा बॉटल हो जाएगा इस तरह से। देखिए अगर आप देख सकते हैं तो ये देखो, अब जब भी इसका इस्तेमाल करना है हमको तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा करेंगे और ऐसे लगाएंगे। देखिए बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं इसका स्प्रे, मैं थक थक जाती हूँ ना बाहर से, एकदम पोल्यूशन वगैरह से आती हूँ, इसको रात को लगा के सही है। 2 बूंद इस सीरम की आप रात को लगा लेंगे, सो जाएंगे ना अगर, तो सुबह उठते ही आपको महसूस होगा कि आपका एकदम ऐसा सॉफ्ट हो गई है स्किन, बहुत ही अच्छा
मतलब अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और ये विधि मैंने मतलब सब अपने आप पे ट्राई करके, देखिए आपको अभी असर दिख रहा होगा कि शाइन आ जाती है एकदम से, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हमने किया है जो बहुत अच्छी हैं हमारे लिए। अभी ऐसे अच्छे से मसाज कर लीजिए और पूरा दिन छोड़ दीजिए, आपके चेहरे पे एक बहुत अच्छी लेयर बन गई है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए इस तरह स्प्रे वाली बॉटल में आप भी डाल लीजिए। दोस्तों ये तो था बहुत ही आसान सा सीरम। एक और इसकी खास बात है कि अगर आपके चेहरे पे एक्सेस ऑयल है तो उस ऑयल को कंट्रोल करेगा, और जब भी आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं तो आप कॉटन पैड लेके इसको अपनी आंखों के ऊपर भी रख सकते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि लोग रोज़ वाटर या कच्चा दूध या आलू का रस या ककड़ी का रस या ककड़ी की स्लाइस, आलू की स्लाइस ऐसे रखते हैं। इस सीरम की अच्छी बात यह है कि इसको आप अगर अपनी आंखों पर रखेंगे तो आपको बहुत ही ऐसा ठंडक और सुकून जैसा महसूस होगा। तो ये सीरम आपके लिए बहुत काम का है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इसका और हमें इसके रिजल्ट भी बताइए। बाय।